बंगाल में जैसे ही कांग्रेस के 3 विधायक भारी संख्या में नोटों के साथ पकड़े गए, कांग्रेस ने तुरंत उनसे पल्ला झाड़ लिया और भाजपा पर आरोप लगा दिया कि भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में एक्सपोज हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान अब झारखंड के लिए है, जो कि उन्होंने महाराष्ट्र में ई और डी यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जोड़े को लाकर किया। झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों को शनिवार रात पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रोका। उनके वाहन में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर जिस वाहन में विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल कोंगरी सवार थे, उसे पांचला पुलिस थाना क्षेत्र के रानी हाथी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोका गया। हावड़ा ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया ने कहा कि हमें सटीक सूचना मिली थी कि काले रंग की एक कार में भारी मात्रा में पैसा ले जाया जा रहा है। हमने वाहनों की तलाशी शुरू कर दी और इस कार को रोका जिसमें 3 विधायक सवार थे। कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। नकदी गिनने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। विधायकों से भी धन के स्रोत और इसे कहां ले जाया जा रहा था इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने भी दावा किया कि भारी मात्रा में यह नकदी हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह भाजपा की साजिश है। हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा उसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम देखें कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में क्या हुआ, तो यह साफ हो जाएगा कि भाजपा सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए धन का प्रयोग करती है। मैं पार्टी आलाकमान से इन 3 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं, ताकि पार्टी के अन्य सदस्यों को कड़ा संदेश दिया जा सके। कांग्रेस के बयान का समर्थन करते हुए टीएमसी ने दावा किया कि विधायकों की खरीद फरोख्त और झारखंड सरकार को संभावित रूप से सत्ता से बाहर करने की अफवाहों के बीच नकदी बरामद की गई है। विपक्षी दल भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को बताना चाहिए कि उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से मिली, जहां से कांग्रेस झारखंड में सत्ता में आई है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झारखंड में अफसरों के घर से कैश बरामद हुआ था। साहू ने कहा कि यह लोग जनता की मेहनत की कमाई का गलत उपयोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।